नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष मिश्रा आप सभी का विन आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी को जैसा कि मालूम है कि हमारी चर्चा भारत के संवैधानिक व्यवस्था को लेकर चल रही थी और उसमें हमने विभिन्न पहलुओं पर अपनी चर्चा को कंप्लीट भी कर लिया था। अभी जो हमारी वर्तमान में चर्चा चल रही थी वो था भारत के राष्ट्रपति को लेकर, उसके संबंध में विभिन्न परीक्षाओं में कौन से प्रश्न पूछे गए हैं और आने वाले समय में कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं, उन समस्त बिंदुओं पर हम अपनी चर्चा शुरू की थी हमने अपनी चर्चा को, और काफ़ी सारे प्रश्नों को इसके अंतर्गत हमने देख भी लिया था। आइए आज की चर्चा को अपने शुरू करते हैं। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम चर्चा शुरू करने से पहले हम एक अपने सेगमेंट पे बात करते हैं, वो सेगमेंट है सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण निर्णय को लेके। आज जिस निर्णय की हम बात कर रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय माना जाता है सुप्रीम कोर्ट का, और वो निर्णय है केशवानंद भारती बाद, केशवानंद भारती बाद 1973 का यह निर्णय है सुप्रीम कोर्ट का। इस निर्णय के द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि तीन चीज़ों में इन्होंने अपना मत दिया, तीन मत प्रस्तुत किए। एक ये कि कोई भी सरकार संविधान से बड़ी नहीं हो सकती है, कोई भी सरकार संविधान से बड़ी नहीं हो सकती है। दूसरी बात क्या कही इस केस के अंतर्गत कि संसद को यह हक नहीं है, ये उसको अधिकारिता नहीं है कि वो संविधान की मूल भावना को ठेस पहुंचाए। तो एक मूल भावना या मूल ढांचा की संकल्पना यहाँ से आती है। और तीसरा उन्होंने तर्क दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि यदि मूल अधिकार के संबंध में किसी प्रकार के जो संशोधन किए जाते हैं या संविधान में किसी प्रकार के संशोधन किए जाते हैं तो न्यायालय इसकी समीक्षा कर सकता है, तो न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। किसके संबंध में? संविधान संशोधन के संबंध में। अब समझिए जो केशवानंद भारती बात था, ये जो भारतीय परंपरा है, संवैधानिक परंपरा है, न्यायिक परंपरा है, उसके इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। इसमें 13 जजों की बेंच थी जिसने 7-6 से अपना निर्णय दिया था। इस बेंच की अध्यक्षता कर रहे थे उस समय के चीफ जस्टिस थे सीकरी, J.M. सीकरी। उस टाइम पे ये उसकी अध्यक्षता कर रहे थे और यही हमारे उस समय के चीफ जस्टिस थे। केशवानंद की अगर बात की जाए, केशवानंद केरल के एक महंत थे और उनकी जमीन, केरल ने उस समय पे एक संपत्ति संबंधी कानून लाया था और आपको पता है कि उस समय पे संपत्ति का अधिकार मूल अधिकारियों की श्रेणी में रखा जाता था। तो उन्होंने, केशवानंद ने आर्टिकल 26 को अपना आधार बनाया और केरल सरकार और भारत सरकार के ऊपर एक अपील दायर कर दी, और उसी अपील की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अपना यह निर्णय प्रस्तुत किया था। देखिए यहाँ पर एक शब्द आता है मूल ढांचा। मूल ढांचा, देखिए इसके विषय में हम विभिन्न चीज़ों में पढ़ते रहते हैं। मूल ढांचा का सिंपल सा अगर यहाँ पर मैं अर्थ बताना चाहूँ तो इस ढांचे का अर्थ ये है कि मूल भावना, संविधान की मूल भावना या मूल ढांचा जिसमें संसद चाह कर भी संशोधन नहीं कर सकती है। अब ये मूल ढांचा होगा क्या, इसका निर्धारण सुप्रीम कोर्ट अपने अनुसार समय समय पर करेगा, और इसी को आधार मान के फिर देखिए 1980 का जो मिनर्वा मिल्स वाद आता है, फिर SR बॉम्बई वाद आता है, इंदिरा गांधी और राज नारायण केस आता है, उसमें अलग अलग चीज़ों को, संविधान के अलग अलग पहलुओं को मूल ढांचा की श्रेणी में शामिल कर लिया जाता है। ये बात हो गई किसके अंतर्गत, हमारे पहले सेगमेंट में जिसमें हमने सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण निर्णय की बात की। आइए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और जैसा कि आपको सभी को मालूम है कि हमारी चर्चा राष्ट्रपति पर चल रही थी और राष्ट्रपति के संबंध में कई सारे प्रश्नों पर हमने अपनी जो प्रश्न श्रृंखला है उसको कंप्लीट कर लिया था। आइए उसी पे आगे चलते हैं। और हमारा आज का प्रश्न, पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए अनुच्छेद 63, ऑप्शन बी अनुच्छेद 108, ऑप्शन सी अनुच्छेद 111 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 109। तो देखिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 111। अनुच्छेद 111 में यह प्रावधान मिलता है कि राष्ट्रपति के संबंध में अगर कोई विधेयक आता है
कोई विधेयक आता है तो उस पर राष्ट्रपति का क्या कर्तव्य होगा? उस विधेयक पर वह अपनी अनुमति दे सकता है या उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है या उस विधेयक पर अपनी सहमति को रोक सकता है, मतलब वीटो कर सकता है। इन समस्त चीज़ों का प्रावधान आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? अनुच्छेद 111 में। अगर अन्य अनुच्छेदों की बात करें तो अनुच्छेद 63 किसकी बात करता है? उपराष्ट्रपति पद की बात करता है, तो ये पहले ही एलिमिनेट हो जाता। 108 की अगर बात किया जाए तो 108 संयुक्त बैठक की प्रावधान को निर्देशित करता है, और 109 की अगर बात करें तो जो मुद्रा विधेयक होते हैं उनके संबंध में कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाएगी, जो धन विधेयक होते हैं उनको पारित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाएगी, इसका जिक्र मिलता है आपके अनुच्छेद 109 में। अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, कथन ए और कारण आर, उसके आधार पे कथनों पे क्या करना है, आपको उत्तर देना है। कथन ए क्या कहता है? राष्ट्रपति संसद का भाग है। और कारण क्या है? संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के कानून नहीं बन सकते हैं। उपयुक्त के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक सही है? कूट है हमारे, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सत्य है परंतु आर गलत है, और यहाँ पर है ए गलत है परंतु आर सही है। तो देखिए, आप सभी को मालूम है कि जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 79 है, 79वां अनुच्छेद है, वो भारतीय संसद के संगठन का जिक्र करता है, और उसके संगठन में तीन चीज़ें शामिल हैं, एक राष्ट्रपति, एक लोकसभा और एक राज्य सभा। अब देखिए, यहाँ पर पहला कथन क्या कह रहा है? राष्ट्रपति संसद का भाग है। तो यहाँ पर हमको दिख रहा है कि राष्ट्रपति संसद का भाग है, तो पहला कथन क्या हो जाता है? बिल्कुल सही हो जाता है। और ये भी बात बिल्कुल सही है कि अगर संसद किसी विधेयक को पारित करती है, वो विधेयक जब राष्ट्रपति की अनुमति मिल जाती है, उसमें संस्तुति मिल जाती है, उसकी राष्ट्रपति के सिग्नेचर हो जाते हैं, तो वो कानून का रूप धारण कर लेता है। तो दोनों कथन और कारण दोनों सही है, मतलब हमारा जो ऑप्शन ए होगा, ए अर्थात ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है, तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बात बिल्कुल समझ में आ रही है ना? चलिए अब अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? एक विधेयक संसद में प्रस्तुत किया गया, कौन सी क्रिया के बाद वो विधेयक बन जाएगा? हमारे ऑप्शन है, जब वह संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित हो जाता है, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है, जब सर्वोच्च न्यायालय इसे केंद्रीय संसद के अधिकार क्षेत्र में होना घोषित करता है, या डी जब प्रधानमंत्री इस पर हस्ताक्षर कर देता है। तो देखिए, कोई भी जब विधेयक प्रस्तुत किया जाता है तो उसके कई चरण होते हैं। अगर मैं साधारण विधेयक की बात करूं, साधारण विधेयक में कई चरण में ये प्रस्तुत किया जाता है किसी संसद में। अब संसद में सबसे पहले कहां पर आया? मान लीजिए कोई साधारण विधेयक है, वो लोकसभा से शुरू होता है, लोकसभा में विधेयक को पहली बार प्रस्तुत किया गया। जब लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा तो उसमें होंगे अगली बार वाचन होंगे, तो तीन वाचन होते हैं इसमें, तीन वाचन होंगे, और वाचन के आधार पर ही लोकसभा से पारित होगा। साधारण बहुमत है तो आपका उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों के बहुमत से पारित हो जाएगा, फिर ये जाएगा दूसरे सदन पे, दूसरे सदन में भी, मतलब अब लोकसभा में हुआ था, दूसरा सदन मतलब राज्यसभा में गया, और राज्यसभा से भी सेम प्रक्रिया अपनाई जाएगी, उसमें भी तीन वाचन होंगे, समितियाँ बनाई जाएगी और अपने अपने सुझाव के आधार पर उसको पास किया जाएगा। जब दोनों सदनों से पास हो गया, अर्थात लोकसभा और राज्यसभा से पास हो गया, तो फिर कहाँ पर जाएगा? वो राष्ट्रपति के पास जाएगा, और राष्ट्रपति के सिग्नेचर के उपरांत जब राष्ट्रपति अपना हस्ताक्षर कर देगा तो वो विधेयक अब कानून बन जाएगा, विधेयक कानून बन जाएगा। ऐसे ही अभी आपने सुना होगा कि 128वां विधेयक आता है किसके संबंध में? महिलाओं के लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में आरक्षण के संबंध में 128वें क्रम का विधेयक था, लेकिन जब उसको राष्ट्रपति की सिग्नेचर मिल गई तो वो कौन से नंबर का संशोधन हो गया? 106वें नंबर का संशोधन हो गया। तो विधेयक अलग चीज़ है, कई बार विधेयक पास नहीं होते हैं इसलिए उनका नंबर ज़्यादा है और संशोधन वाले का नंबर कम है,
तो जब विधेयक में राष्ट्रपति के सिग्नेचर हो जाएगी तब वो कानून का रूप धारण कर लेगा। यहाँ पर इसी आधार पर हम देखें, अगर उत्तर देखें तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिव्यक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करने की सूचना के संबंध में उचित है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए राष्ट्रपति का आशय, ऑप्शन बी राष्ट्रपति का निर्देश, ऑप्शन सी राष्ट्रपति का विवेक, या ऑप्शन डी राष्ट्रपति की सहमति। देखिए, यह प्रश्न जो है MPPSC प्री परीक्षा में 2020 और 2021 में पूछा जा चुका है। रिपीट क्वेश्चन था, 2020 में भी यही पूछा गया था, 21 में भी पूछा गया था। अभी इसका अगर ध्यान से पढ़ा जाए अनुच्छेद 108 को, तो उसमें लिखा है कि राष्ट्रपति अपने आशय से जब किसी प्रकार के विवाद की स्थिति किसी विधेयक को लेकर उत्पन्न हो जाती है तो संयुक्त बैठक का आयोजन करेगा। अभी संयुक्त बैठक किसके तहत आयोजित होती है, 108 के तहत, लेकिन इसमें कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाएगी इसका जिक्र मिलता है आपका 118 में इसकी प्रक्रिया का जिक्र मिलता है कि कौन सी नियमावली फॉलो की जाएगी। जब संयुक्त अधिवेशन होगा उसमें इसकी अध्यक्षता करेंगे लोकसभा, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाएगी। और मान लीजिए लोकसभा अध्यक्ष उपस्थित नहीं रहता है तो लोकसभा उपाध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करेगा, और मान लीजिए लोकसभा उपाध्यक्ष भी नहीं उपलब्ध रहता है तो राज्यसभा का उपसभापति इसकी अध्यक्षता करेगा। लेकिन अगर वो भी उपलब्ध नहीं रहता है तो दोनों सदन मिल के किसी व्यक्ति को अपने बीच से चयनित करेंगे और वो क्या करेगा, अध्यक्षता को संचालित करेगा। संयुक्त अधिवेशन के संबंध में अभी तक 3 बैठकें भारत की आज़ादी के बाद हो चुकी है। एक जो हुआ था 1960 में दहेज निषेध विधेयक पर लेकर, फिर 1977 में एक होता है बैठक बैंकिंग सेवा बिल के लिए, और 2002 में एक होता है आतंकवाद निवारण अधिनियम के तहत, आतंकवाद निवारण कानून 2002 के तहत 3 बैठकें आयोजित होती हैं संयुक्त रूप से। तो ऐसा अगर प्रश्न पूछ लिया जाए इसके अतिरिक्त भी कि कब कब संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। संयुक्त बैठक की एक खास बात क्यों होती है, मान लीजिए अभी संयुक्त बैठक के एक फ़ायदा किसको मिलता है, लोकसभा में, लोकसभा के सदस्यों को इसमें फ़ायदा मिलता है। अब क्यों फ़ायदा मिलता है, जैसे मान लीजिए अभी हमारे यहाँ 545, देखिए है तो 43 ही पर, आप ध्यान से सुनिएगा, और 245 दोनों सदस्यों को अगर जोड़ दिया जाए तो 790 लोग हो रहे हैं। और मान लीजिए कोई विधेयक इनके समक्ष लाया जाता है अलग अलग लोकसभा और राज्यसभा में, तो इनको पारित करने के लिए हमको क्या चाहिए होता है, वहाँ पर बहुमत चाहिए होता है। लोकसभा में नॉर्मली अगर वर्तमान की स्थिति देखा जाए तो बहुमत मिल जाएगा, लेकिन राज्यसभा में बहुमत नहीं मिल पाता है। ऐसे में क्या किया जाता है कि दोनों की संयुक्त बैठक बुला ली जाती है, मंत्रिपरिषद के निर्देश पर, मंत्रिपरिषद जो सिफारिश पर राष्ट्रपति इसकी अधिसूचना जारी करता है। तो अब 790 में कितने हमको चाहिए, 395 वोट चाहिए। अब बताइए वर्तमान में अगर देखा जाए तो समर्थन किसका ज़्यादा है, कुछ राज्यसभा का और अपने लोकसभा में देख लिया जाए तो 395 आपका एक ही गठबंधन को मिल जाएगा, जिससे क्या होगा, वो कोई भी विधेयक होगा वो आसानी से पास हो जाएगा। अगले अगर प्रश्न की बात करें, अगले प्रश्न पर चलते हैं, ये हमारी पूरी चर्चा किस पर हो गई, संयुक्त अधिवेशन को लेकर। अगले प्रश्न पर चलते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए वह संसद का एक संगठक भाग है, ऑप्शन बी वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग लेता है, ऑप्शन डी वह प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों के संयुक्त बैठक को संबोधित करता है, या ऑप्शन डी वह किन्हीं परिस्थितियों में अध्यादेश लागू कर सकता है। यहाँ पर आपको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो संसद का भाग होता है, ये बात बिल्कुल सही है, आर्टिकल 79 में हमने अभी इसके बारे में चर्चा की थी, वह दोनों सदनों की चर्चा में भाग लेता है। तो ऐसा कहीं पर भी जिक्र देखने को नहीं मिलता है कि राष्ट्रपति दोनों सदन की चर्चा में भाग लेगा, बल्कि ये जरूर जिक्र मिलता है कि जब दोनों सदन प्रत्येक वर्ष के पहली जो बैठक होगी, प्रत्येक वर्ष में पहला सत्र होता है बजट सत्र, उसमें जो पहली बैठक होगी उसमें
अभिभाषण दिया जाएगा किसके माध्यम से, संबोधित किया जाएगा किसके माध्यम से, राष्ट्रपति के माध्यम से। आर्टिकल 86 एवं 87 इसके संबंध में जिक्र करते हैं। और 123 किसके बारे में बताता है, अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति की। तो यहाँ पर कौन सा कथन गलत महसूस हो रहा है, ऑप्शन बी। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, ऑप्शन सी संसद के द्वारा, या ऑप्शन डी राज्यसभा के सभापति के द्वारा। तो बड़ा ही आसान सा सवाल था, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए राष्ट्रपति के द्वारा। कौन से अनुच्छेद के तहत, 108 के तहत। इसकी प्रक्रिया का वर्णन कहाँ मिलता है, 118 में। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद एक ही समय बिंदु पर खाली हो जाता है, तो राष्ट्रपति का पद अस्थायी तौर पर निम्नांकित अधिकारी धारण करेगा। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए भारत का प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी उपरोक्त में से कोई नहीं है, ऑप्शन डी सशस्त्र बलों का सर्वोच्च अधिकारी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। देखिए, इसके संबंध में संविधान में मूल रूप से किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं की गई थी कि जब राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाएगा तो क्या व्यवस्था की जाएगी। उसमें बस ये लिखा था कि संसद इसके संबंध में विधि बना सकता है। तो संसद ने 1969 में एक अधिनियम बनाया, राष्ट्रपति कार्य एवं कृत्य अधिनियम 1969 में एक अधिनियम लाया जाता है, जिसके तहत ये कहा गया कि यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, आपको पता है कि जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो उपराष्ट्रपति 6 महीने तक लगभग उसे कर्तव्यों का निर्वहन कर सकता है। जैसा आपने अपने भारत में मोहम्मद हिदायतुल्ला का नाम सुना होगा, तो उन्होंने अपने यहाँ का कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर उन्होंने कार्यान्वयन किया था। 6 महीने तक कोई भी व्यक्ति रिक्त पद के लिए बैठ सकता है, लेकिन उसके बाद चुनाव होना अनिवार्य होता है। अब स्थिति यह है कि राष्ट्रपति भी नहीं है, उपराष्ट्रपति नहीं है, तो अब 1969 में संशोधन किया गया और इसके तहत ये जोड़ दिया गया कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अगर उस समय उपस्थित होगा तो वो बैठेगा, अगर वो भी नहीं उपस्थित रहता है तो वरिष्ठतम न्यायाधीश इसकी सदस्यता करेंगे, राष्ट्रपति पद को संभालेंगे। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कथन है, अपने कार्यकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। अब कारण इसके संबंध में, राष्ट्रपति का पद संविधान के ऊपर होता है। हमारे कथन है, जो हमारे ऑप्शन है उस पर देखिए, कथन और कारण दोनों सही है, और कारण कथन का स्पष्टीकरण करता है। ऑप्शन बी, कथन और कारण दोनों सही है परंतु कारण कथन का स्पष्टीकरण नहीं करता है। ऑप्शन सी, कथन सही है परंतु कारण गलत है, या ऑप्शन डी, कथन गलत है परंतु कारण सही है। तो देखिए, ये बात तो बिल्कुल सही है कि अगर राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा होता है उस दौरान उस पर कोई भी न्यायालयिक कार्यवाही नहीं की जाएगी, ये उसको सुविधा दी गई है 361 के तहत। आर्टिकल 361 भारत के राष्ट्रपति, राज्यपाल और कुछ विशेष जो पद होते हैं उनके लिए कुछ सुविधा दे के रखी है, कुछ विशेषाधिकार दे के रखे हैं कि उन पर किसी प्रकार की दीवानी या फौजदारी मामले संचालित नहीं की जाएंगे, नहीं संचालित होंगे। तो पहला कथन बिल्कुल सही है, लेकिन कोई भी पद, भारत के अंतर्गत स्थापित कोई भी पद आपके संविधान से बड़ा नहीं होता है। भारत का संविधान सर्वोपरि है और संविधान की सर्वोच्चता हमारे मूल ढांचे के अंतर्गत शामिल है। तो कथन कारण जो इसका होगा वो गलत हो जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा कि कथन सही है परंतु कारण गलत है। तो ऑप्शन सी जो इसका होगा सही जवाब होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पदासीन राष्ट्रपति पदावधि से उत्पन्न होने वाली रिक्ति की दशा में रिक्त भरने के लिए निर्वाचन अवश्य हो जाना चाहिए। हमारे ऑप्शन है, रिक्त होने की तिथि से 6 माह के भीतर, रिक्त होने की तिथि से 1 वर्ष बाद, सी रिक्त होने की तिथि से 9 माह बाद, या डी रिक्त होने की तिथि से 7 माह बाद। तो जैसा कि अभी मैंने चर्चा की कि भारत के राष्ट्रपति के पद रिक्त होने के 6 माह के बाद ही क्या किया जाएगा, आपका चुनाव संचालन
किया जाएगा। इसका जिक्र आपको कहाँ पर मिलेगा? 56(2) में, आर्टिकल जो 56 है उसके तहत इसका जिक्र मिलेगा कि इनके संबंध में कितने दिनों में चुनाव करवाना अनिवार्य होता है। 56 में किसका मिलता है? राष्ट्रपति के कार्यकाल का, कि पद ने पद धारण करने से 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रहेगा। फिर 56(1) में मिलता है कि इनका पद आपका 5 साल तक बना रहेगा। 56(2) में मिलता है कि कैसे इनका पद रिक्त हो सकता है, तो त्यागपत्र दिया जा सकता है, त्यागपत्र दे के हो सकता है मृत्यु हो जाए, या फिर संसद के द्वारा महाभियोग जैसी प्रक्रिया अगर अपना ली जाए तो राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन गण का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन है लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी राज्यों की विधानसभाएं, या डी राज्यों की विधान परिषदें। ठीक है, जो निर्वाचक मंडल की अगर बात करें राष्ट्रपति के, तो आर्टिकल 54 में इसका जिक्र मिलता है कि कौन कौन इसके इनके चुनाव में शामिल होगा। तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, कैसे सदस्य? निर्वाचित सदस्य। फिर राज्य विधान सभाओं के, राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य, और 70th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा ये जोड़ा गया कि जो दिल्ली है, दिल्ली एवं पुदुचेरी उसको शामिल किया जाएगा। और अभी हाल ही में जो 100 जो अभी परिवर्तन किया गया है कि इसमें आपके जम्मू कश्मीर राज्य को बदल करके केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, उसमें यह कहा गया है कि जम्मू कश्मीर के विधानसभा इसके किस में शामिल होंगे? निर्वाचक मंडल में शामिल होंगे राष्ट्रपति के। अब यहाँ पर बात हो रही है कि कौन निर्वाचक मंडल में तो शामिल होता है लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया में शामिल नहीं होता है। तो देखिए, राज्य विधान परिषदें तो गलत हो जाएंगी ये, क्योंकि शामिल ही नहीं होती है, निर्वाचन में ही शामिल नहीं होती है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों शामिल होते हैं क्योंकि संसद का भाग है। और राज्यों की विधानसभाएं, आपने कभी सुना है क्या कि मध्य प्रदेश सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने यहाँ से राष्ट्रपति के लिए महाभियोग जैसी कोई प्रक्रिया शुरू करने के लिए कदम उठाया है? नहीं, ऐसा कभी सुनने को नहीं मिला। हालांकि अपने भारतीय इतिहास में अभी कोई ऐसी स्थिति नहीं पैदा हुई है कि किसी राष्ट्रपति के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया को प्रारंभ किया जाए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, राज्यों की विधान सभाएं। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है। हमारे ऑप्शन है अर्धन्यायिक प्रक्रिया, ऑप्शन बी कार्यपालिक प्रक्रिया, ऑप्शन सी न्यायिक प्रक्रिया, या ऑप्शन डी विधायी प्रक्रिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्धन्यायिक प्रक्रिया। ठीक है, जो हमारा भारतीय संविधान का आर्टिकल 61 है, 61 में ये जिक्र मिलता है कि यदि आधार क्या होगा, यदि राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण कर दे, संविधान का अतिक्रमण कर दे, एक ही आधार है कि संविधान का अतिक्रमण कर दे। हालांकि यूएसए के अगर हमने ये व्यवस्था ली है यूएसए से, लेकिन यूएसए में साबित कदाचार के आधार पर भी क्या किया जाता है, महाभियोग जैसी प्रक्रिया को अपनाया जा सकता है, लेकिन हमारे यहाँ केवल एक ही शब्द मिलता है, संविधान का अतिक्रमण। तो इस स्थिति में क्या होगा कि 1/4 सदस्यों का संकल्प लेके 14 दिन की पूर्व सूचना पर महाभियोग प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है। अब ये प्रारंभ कहीं भी हो सकती है, लोकसभा में भी हो सकती है, राज्यसभा में हो सकती है, तो दोनों सदनों में कहीं से भी हो सकती है। और 2/3 बहुमत से अगर पारित कर लिया जाता है, अब जैसे एक संकल्प पारित किया गया, 1/4 सदस्यों का संकल्प लेके प्रस्तुत किया गया और 2/3 बहुमत से इसको पारित कर दिया गया, किसमें? पहली बार में लोकसभा में। फिर जब दूसरे सदन में जाएगी, मान लीजिए वो राज्यसभा में जाता है, तो राज्यसभा क्या करेगी, उसमें एक समिति का गठन करेगी और उस समिति में जाँच होगी, ये जाँच समिति होगी, 3 सदस्यीय समिति होगी। इसमें राष्ट्रपति या तो स्वयं उपस्थित हो सकता है या अपने द्वारा किसी व्यक्ति को उपलब्ध करवा सकता है जो उसके संबंध में अपने विचार रख सकते, जवाब दे सके। तो जांच समिति फिर अपनी रिपोर्ट देगी और अगर दूसरे सदन में भी 2/3 बहुमत से पास हो गया तो राष्ट्रपति का पद क्या हो जाता है? रिक्त हो जाता है, पद रिक्त हो जाता है। तो ये पूरी प्रक्रिया एक निश्चित नियम कानून दायरे के अधीन रहकर चलती है,
जो विधायी प्रक्रिया के साथ साथ न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत भी आती है, क्योंकि अगर जांच समिति की बात की जाए तो जांच समिति में आपके CGI भी शामिल होगा, इसीलिए इस प्रक्रिया को अर्ध न्यायिक प्रक्रिया भी कहा जाता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा भारतीय राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? तो हमारा ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं, संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध किसके द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है? हमारे ऑप्शन है भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा या संसद के दोनों सदनों द्वारा। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, संसद के दोनों सदनों के द्वारा। अब इन पर हमारी चर्चा नहीं होगी क्योंकि हमने काफ़ी बड़े बृहद मात्रा में इसमें चर्चा भी कंप्लीट कर ली है। अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। अब बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान सुनिएगा। राष्ट्रपति अपने पद पर 5 वर्ष तक बना रहता है। हमारे ऑप्शन है अपने निर्वाचन की तारीख से, ऑप्शन बी संसद द्वारा निर्धारित तिथि से, ऑप्शन सी निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित तिथि से, या ऑप्शन डी अपने पद ग्रहण करने के दिन से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अपने पद ग्रहण करने की दिन से। समझिए कि राष्ट्रपति का अब निर्वाचन की तारीख से कैसे हो जाए, जैसे मान लीजिए अभी कुछ दिनों पहले किसका निर्वाचन हुआ, निर्वाचन की तारीख की गई, निर्धारित की गई लोकसभा चुनाव के लिए। तो क्या अगली लोकसभा जो काउंट होगी वो अभी चुनाव जिस दिन होने वाले हैं उसी दिन से हो जाएगी क्या? नहीं होगी। तो वैसे ही है कि राष्ट्रपति का भी निर्वाचन होता है तो जिस दिन निर्वाचन हो रहा है उस तारीख से उसका कार्यकाल नहीं माना जाएगा, लेकिन जिस दिन वो शपथ ले लेता है, अपने पद को ग्रहण कर लेता है, उस दिन से उसको क्या माना जाएगा? राष्ट्रपति पद के लिए नियुक्त माना जाएगा, निर्वाचित माना जाएगा, और उसी दिन से उसका पद काउंट होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करके देते हैं? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए लोकसभा स्पीकर को, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति को, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री को, या ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति को। आर्टिकल 56 के अंतर्गत जो दो इनका सब क्लॉज है उसमें इसका जिक्र मिलता है कि भारत के राष्ट्रपति का क्या हो किसी कारणवश से अपना त्याग पत्र किसको दे सकता है? उपराष्ट्रपति को दे सकता है। उपराष्ट्रपति फिर इसको कहां पर रखवाएगा? लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष रखेगा। अब ये पूरी प्रक्रिया ध्यान से देखिएगा, प्रक्रिया कैसे हो रही है कि त्याग पत्र दिया, त्याग पत्र किसको दिया? उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति इसको कहां पर लेके गया? लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष रखेगा। और लोकसभा अध्यक्ष कहां पर रखेगा इस बात को बताएगा कहां पर? संसद में प्रस्तुत कराएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु हमारे ऑप्शन है चुनाव लड़ने से पूर्व उसे अपनी सदस्यता से त्याग पत्र देना होगा, बी अपने निर्वाचन से 6 माह के अंदर अपनी सदस्यता छोड़नी होगी, या सी एक सांसद चुनाव लड़ सकता है परंतु विधानसभा का सदस्य नहीं, या डी निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। जल्दी से बताइए इसका जवाब क्या होगा, कमेंट कर दीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी क्या है? निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। अब ये चीज़ क्यों लागू हो पा रही है इसके संबंध में समझिए कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए हमारी क्या निर्धारित है? योग्यता। अब योग्यता में कैसे समझिए कि क्या क्या होना चाहिए, कि 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, भारत का नागरिक हो और लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो और किसी प्रकार के लाभ के पद पर ना हो। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि वो तो क्या है, विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा सदस्य है या फिर सांसद है,
तो वो लाभ के पद पे होगा? तो नहीं, लाभ के पद ये नहीं होते हैं। जितने भी राजनीतिक पद होते हैं वो लाभ के पद नहीं होते हैं, तो लाभ का पद नहीं है, इसलिए वो चुनाव लड़ सकता है। और हो सकता है कि जो विधानसभा सदस्य है, चुनाव लड़ रहा है, उसके पास ये भी क्षमता हो, इसके पास ये भी योग्यता हो कि वो लोकसभा का सदस्य भी बनने की योग्यता रख रहा हो, तो वो भी लड़ सकता है। भारत का नागरिक होगा ही, क्योंकि चाहे किसका, सांसद का है, विधानसभा का, और 35 वर्ष की आयु अगर पूर्ण कर चुका है तो वो आपके चुनाव लड़ सकता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए आर्टिकल 56, ऑप्शन बी आर्टिकल 57, ऑप्शन सी आर्टिकल 58 या ऑप्शन डी आर्टिकल 59। जल्दी से कमेंट में बता दीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी आर्टिकल 57। देखिए, आर्टिकल 57 में यह जिक्र मिलता है कि राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित हो सकता है। कितनी बार निर्वाचित हो सकता है, इसके संबंध में कोई भी स्पष्ट व्याख्या नहीं की गई है। अर्थात हमारा राष्ट्रपति कितनी बार भी निर्वाचित हो सकता है, कितनी बार भी। अब कितनी बार भी क्यों होगा, पता चला कि 65 वर्ष में वो नियुक्त ही हो रहा है और कितनी बार तो नहीं कर सकते हैं। तो अभी तक जो राजेंद्र प्रसाद हुए हैं, हमारे पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, वही एकमात्र राष्ट्रपति हुए हैं जो दो बार नियुक्त हुए थे, सेकेंड टर्म भी उनका मिला था। उसके उपरांत कोई भी ऐसे राष्ट्रपति नहीं हुए हैं जो दो बार नियुक्त हुए हों। लेकिन संविधान में ऐसा जिक्र मिलता है, किसी भी व्यक्ति को जो राष्ट्रपति पद के लिए चुना गया है वो दोबारा भी चुना जा सकता है और तिबारा भी चुना जा सकता है। लेकिन अगर यूएसए की बात किया जाए, अमेरिकी राष्ट्रपति की बात किया जाए यूएसए में, तो राष्ट्रपति दो ही बार चुना जा सकता है। अब चाहे जॉर्ज एच बुश को ले लें, या फिर आपके बराक ओबामा को, ये लोग दो ही बार के लिए नियुक्त हुए थे। जैसे बराक ओबामा 2008 से 2016 के बीच में रहते हैं, फिर 2016 से 2020 तक आपने देखा होगा कि वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप आते हैं, अगले चुनाव में वो हार जाते हैं और उसके बाद आपके जो बाइडन वहाँ के सीएम बनते हैं। और अभी देखिए, जो बाइडन चूँकि पहला ही टर्म था और डोनाल्ड ट्रंप भी पहली बार ही जीते थे, अतः वो अब दोबारा भी चुनाव में नियुक्त हो सकते हैं, दोबारा राष्ट्रपति बन सकते हैं। इसीलिए अभी देखिए कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होने वाला है कहाँ पर, यूएसए में, वहाँ पर आपके जो दोनों प्रतिद्वंदी हैं, एक हैं जो बाइडन और दूसरे हैं डोनाल्ड ट्रंप, मतलब दोबारा चुने जा सकते हैं, दो ही बार चुने जा सकते हैं, कहाँ पर, यूएसए में। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारे ऑप्शन है, उसे भारत का जन्मा नागरिक होना चाहिए, उसे 35 वर्ष की उम्र पूरी कर लेनी चाहिए, या तीन, उसे संसद सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए। हमारे ऑप्शन है, केवल एक सही है, ऑप्शन बी केवल एक और दो सही है, या ऑप्शन सी केवल दो सही है, या ऑप्शन डी एक और तीन सही है। अब देखिए, ये कहीं पर हमारे यहाँ जिक्र नहीं मिलता है कि भारत का जन्मा नागरिक ही होना चाहिए जो राष्ट्रपति के लिए नियुक्त हो सकता है, वो भारत का नागरिक होना चाहिए ऐसा लिखा हुआ है। अर्थात वो जन्म से भारत का नागरिक ना हो तब भी चलेगा, लेकिन अगर उसके पास नागरिकता है भारत की, नागरिकता हमारे यहाँ प्राथमिकता है, नागरिकता है तो वो राष्ट्रपति के लिए नियुक्त हो सकता है, चुना जा सकता है। 35 वर्ष की आयु, तो ये बिल्कुल सही बात है कि 35 वर्ष की आयु पूर्ण करता हो। फिर उसे संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए, तो ये बात थोड़ी सी क्या हो रही है, पूर्णतः सत्य नहीं प्रतीत हो रही है, क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव के लिए हमें ये मिलता है कि लोकसभा सदस्य की सदस्य बनने की योग्यता रखती हो, योग्यता रखता हो, ऐसा व्यक्ति क्या हो सकता है राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित हो सकता है। तो यहाँ पर आप देखिए, तो ऑप्शन टू केवल सही है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के वोटों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या को विधानसभा की कुल निर्वाचित सदस्य संख्या द्वारा विभाजित कर प्राप्त भागफल की 1000 से गुणकों के बराबर होती है। वर्तमान स्थिति में जनसंख्या से तात्पर्य किस वर्ष की जनगणना द्वारा यथा अभिनिश्चित जनसंख्या से है? अब देखिए, यहाँ पर यह बताया गया है कि जो मत मूल्य होगा, किसका मत मूल्य, एक विधायक का, वो क्या होगा। तो इसके लिए है कि राज्य की जनसंख्या
बटे राज्य विधानसभा के सदस्यों की संख्या, राज्य विधानसभा सदस्य संख्या इंटू 1000। ये पूरी है, यहाँ पर बात लिखी हुई है। अब यहाँ पर यह बताया गया है कि ये जो राज्य की जनसंख्या है वो किस वर्ष की जनसंख्या को आधार मान के वोट मूल्य तय किए जाएंगे। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1991 की जनगणना, ऑप्शन बी 1981 की जनगणना, या ऑप्शन सी 1961 की जनगणना, या ऑप्शन डी 1971 की जनगणना। तो अभी अगर वर्तमान की बात की जाए तो हमारे यहाँ जो ऑप्शन डी है 1971 की जनगणना को आधार माना गया है, और उसके तहत ही यह निर्धारित किया गया था कि इसी के आधार पर हमने 1972 में आपका परिसीमन किया था। उसके बाद से हमारे यहाँ परिसीमन हुआ नहीं है, और आगे चल के जो 84th और 87th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए, 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में कहा गया कि जो हमारी परिसीमन है वो 2026 तक सीटें निर्धारित होंगी, 2026 के बाद ही बदला जाएगा, और जो हमारी जनसंख्या का आधार होगा 1991 की जनसंख्या होगी। लेकिन 87वें संविधान संशोधन द्वारा यह परिवर्तन कर दिया गया कि हमारी जो अगला परिसीमन होगा वो 2026 के बाद होगा, अर्थात 2031 की जनगणना में होगा, जनगणना के बाद होगा, और जो जनगणना का आधार होगा वो 2001 की जनसंख्या ली जाएगी, 2001 की जनसंख्या ली जाएगी आपके 2026 के उपरांत। अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है। हमारे ऑप्शन है ए आयु 35 वर्ष हो, ऑप्शन बी पढ़ा लिखा हो, ऑप्शन डी संसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, या ऑप्शन सी देश का नागरिक हो। तो देखिए, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए आवश्यक शर्त किस पे लिखी हुई है, आर्टिकल 58 में इनकी योग्यताओं का जिक्र मिलता है। तो बात बिल्कुल सही है कि उनकी आयु 35 वर्ष की हो चुकी हो, पढ़ा लिखा हो, ऐसा कोई भी स्पष्ट रूप से कोई वहाँ पर निर्देश नहीं लिखा गया है राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में, उनकी योग्यताओं के संबंध में, तो ये बात बिल्कुल गलत हो जाती है। संसद का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो, ये भी बात एक्चुअल में अगर ध्यान से देखा, अगर बहुत डीप में देखा जाए तो गलत हो जाएगी, लेकिन इस प्रश्न के हिसाब से ये बात अभी सही प्रतीत होगी, क्योंकि लोकसभा सदस्य भी क्या होता है, सांसद होता है। तो सांसद चुने जाने की योग्यता रख रहा है कौन, तो वो व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है, देश का नागरिक हो, ये भी बात बिल्कुल सही है। हमारे यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगले प्रश्न पे आते हैं, भारत के राष्ट्रपति पर विचार कीजिए। हमारे ऑप्शन है, पहले हमारे जो दो विकल्प दिए हैं उसके आधार पर पहले देखते हैं। प्रत्येक एमएलए के वोट का मूल्य अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलए मतलब विधानसभा के सदस्यों का मत मूल्य अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। अब ये प्रश्न जो है अभी 2019 के आईएएस परीक्षा में और 2023 की आईएएस परीक्षा थी प्री परीक्षा, उसके अंतर्गत इसको पूछा गया था। फिर दूसरा है इसका ऑप्शन, लोकसभा के सदस्यों के वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट मूल्य से अधिक होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है। हमारे ऑप्शन है केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, या ऑप्शन डी ना तो एक ना ही दो। तो देखिए, ये तो बात बिल्कुल सही है कि हमारे यहाँ एमएलए का जो मत मूल्य है वो अलग अलग राज्यों में अलग 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 स्तर पे है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ जो जनसंख्या है अलग अलग राज्यों की अलग अलग है, सीटें भी अलग अलग राज्यों की अलग अलग है, आधार 1971 की जनसंख्या है, इसलिए पहला जो कथन है बिल्कुल सही है। लेकिन ये कथन बिल्कुल सही नहीं है कि लोकसभा और राज्यसभा के जो वोट मूल्य हैं, मत मूल्य हैं, उसमें लोकसभा के ज़्यादा हैं, क्योंकि इनके मत मूल्य निकालने के लिए क्या स्थिति बनती है, इनके मत मूल्य निकालने के लिए सभी राज्यों के एमएलए का मत मूल्य अपॉन अपॉन टोटल मेंबर ऑफ एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, टोटल एमपी इनका भाग जब दे देते हैं तो मत मूल्य निकल जाता है। तो राज्यसभा का सदस्य भी एमपी माना जाता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और लोकसभा का सदस्य भी एमपी माना जाता है मेंबर ऑफ
पार्लियामेंट, मतलब दोनों का मत मूल्य क्या होगा, बराबर होना चाहिए, अधिक नहीं होगा। मतलब लोकसभा व राज्यसभा के सदस्यों का मत मूल्य क्या होगा, बराबर होगा, इसलिए कथन दो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए केवल एक सही है। अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता यदि वह स्वयं प्रत्याशी होता है, यदि उसे राज्य विधानमंडल के निचले सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना शेष हो, या सी वह राज्य विधानमंडल में निम्न सदन का सदस्य हो, या डी वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। बहुत ही अच्छा है, शब्दों के साथ खेला गया है इस प्रश्न में। अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो इस चीज़ों को आप आसानी से उत्तर दे पाएंगे। इसका सही जवाब हो जाएगा वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। उच्च सदन मतलब विधान परिषद। तो क्या विधान परिषद में विधान परिषद राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होती है क्या? नहीं। तो ये बिल्कुल बात सही हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी। अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के में राष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचन मंडल में विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के मत का मूल्य राज्य की जनसंख्या, राज्य के विधानसभा निर्वाचित सदस्यों की संख्या इंटू 100 की जनसंख्या में भाग देने के बराबर होती है। दूसरा है, एक निर्वाचित संसद सदस्य के मत का मूल्य सभी निर्वाचित विधानसभा सदस्यों के मतों का कुल मान निर्वाचित संसद सदस्यों की कुल संख्या का अनुपात है। या तीन, आखिरी चुनाव में 5000 मतदाता थे। इन कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? आखिरी जो चुनाव हुआ था राष्ट्रपति के संबंध में अभी, जिसमें 16वें राष्ट्रपति के क्रम के राष्ट्रपति के लिए हुआ था व्यक्ति के क्रम पे, और 15वें क्रम की राष्ट्रपति बनी है हमारी द्रौपदी मुर्मू, उस टाइम की बात हो रही है कि आखिरी चुनाव में 5000 मतदाता थे। तो देखिए, ये वाली बात सही नहीं है। कौन सी बात? कि यहाँ पर 100 की जनसंख्या का गुणनफल है, तो 100 की जनसंख्या नहीं होती, यहाँ पर 1000 होना चाहिए। अगर ये 1000 होता तो बिल्कुल बात सही होती, लेकिन ये 100 है तो ये बात गलत हो जाती है। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। निर्वाचित सदस्य जो संसद का मत मूल्य है वो कैसा होगा, निर्वाचित विधानसभा सदस्यों का मत मूल्य अपान निर्वाचित संसद के सदस्यों का कुल संख्या। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आखिरी चुनाव में 5000 मतदाता थे, तो ये बात सही नहीं है, क्योंकि आखिरी जो चुनाव हुआ था उसमें 4700 के लगभग कुछ मतदाता थे। तो ये बात सही नहीं है, इसलिए ये भी कथन गलत हो जाएगा। अब इसका उत्तर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन बी केवल 2 सही है। अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए लोकसभा द्वारा, ऑप्शन बी राज्यसभा द्वारा, ऑप्शन सी संसद सदस्यों द्वारा, या डी संसद एवं राज्य विधानसभा के सदस्यों के द्वारा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, संसद एवं राज्य विधानसभा के सदस्यों के द्वारा। अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए कम से कम 10 निर्वाचकों के द्वारा, 20 निर्वाचकों के द्वारा, 50 निर्वाचकों के द्वारा, या 15 निर्वाचकों के द्वारा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 50 निर्वाचकों के द्वारा। आपको बता दें कि अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है तो उसे 50 प्रस्तावक व 50 अनुमोदक की आवश्यकता होती है, साथ ही आपका 15000 की राशि कहाँ पर जमा की जाती है, RBI के पास जमानत राशि जमा की जाती है। और अगर कोई राष्ट्रपति 1/6 भाग भी वोट नहीं प्राप्त कर पाता है, राष्ट्रपति उम्मीदवार 1/6 वोट नहीं प्राप्त कर पाता है, तो यह जमानत राशि जब्त के ली जाती है। अब जैसे अलग अलग उसमें, अभी जैसे लोकसभा चल रहा है तो लोकसभा में अगर देखा जाए कितनी राशि निर्धारित है, तो जनरल के लिए आपकी 25,000 होती है, और जो SC ST OBC वर्ग होता है उसके लिए 12,500 निर्धारित है। फिर इसी प्रकार से उनके लिए भी जो राज्य विधानसभा के चुनाव होते हैं उनमें भी ऐसी राशि निर्धारित की जाती है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन सी। अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण के सदस्य हैं, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। हमारे ऑप्शन है संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, ऑप्शन दो राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन तीन संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, या ऑप्शन फोर
सभी राज्यपाल तथा उपराज्यपाल। इसे आधार पे हमारा उत्तर देना है, एक और दो केवल, दो और तीन केवल, एक दो तीन केवल, या एक दो तीन और चार। अब देखिए, संसद के दोनों सदनों की अगर बात की जाए तो ये बात थोड़ी सी हमारे अंदर क्या हो रही है, दुविधा में डाल रही है कि दोनों सदनों के सभी सदस्य कैसे शामिल हो जाएंगे, जबकि निर्वाचित सदस्य जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो शामिल नहीं होते हैं, मनोनीत नहीं होंगे। तो ये बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, मतलब ये कहीं क्या है, गलत है। राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, तो ये बात बिल्कुल सही है कि राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेंगे, संघ राज्य क्षेत्रों के सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, तो ये भी बिल्कुल सही है। ये दिल्ली और पुदुचेरी की बात हो रही है, वहाँ के जहाँ पर विधानसभाएं हैं वहाँ के चुने हुए व्यक्ति जो जनता के द्वारा चुने जाते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भागीदारी अपनी देंगे। फिर सभी राज्यपाल या सभी उपराज्यपाल शामिल होंगे, तो ये बात गलत है। तो हमारे कथन का इस उत्तर क्या हो जाएगा, दो और तीन, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, दो और तीन केवल सही है। अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन दो केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया है वे हैं दिल्ली एवं चंडीगढ़, दिल्ली एवं पुदुचेरी, चंडीगढ़ और पुदुचेरी, दिल्ली एवं दमन एवं दीव। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, दिल्ली एवं पुदुचेरी। देखिए, 70th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 में होता है, 1992 में, और इसके तहत 239 का जो अनुच्छेद है उसमें प्रावधान दिया गया कि इन ये अपनी सदस्यता कहाँ पर, ये अपने निर्वाचक मंडल किस में शामिल होंगे, निर्वाचक मंडल राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होंगे। 239 का के तहत इसमें प्रावधान किया गया है। अगले प्रश्न है, कथन ए, भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है, कारण एक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था है जो संसद के दोनों सदनों और राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को मिलाकर बनता है, उपयुक्त के संदर्भ में सही उत्तर दीजिए। हमारे ऑप्शन है, ए सही है किंतु आर गलत है, ए गलत है किंतु आर सही है, ए और आर दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण आर है, या डी, ए और आर दोनों सही है किंतु ए का सही स्पष्टीकरण आर नहीं है। तो बात बिल्कुल सही है कि हमारे यहाँ राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अब वो अप्रत्यक्ष रूप से होता कैसा है, एक निर्वाचक मंडल के माध्यम से होता है जिसमें जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि भाग लेते हैं, और वो अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणीय मत प्रणाली की आनुपातिक पद्धति का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ए और आर दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। अगला प्रश्न है, नीचे दो वाक्य दिए गए हैं, उस आधार पर उत्तर का चयन कीजिए। कथन है, संघ की कार्यपालिका शक्तियां भारत के राष्ट्रपति में निहित है, कारण है कार्यपालिका शक्तियां सरकार का व्यवसाय चलाने से संबंधित है। अब इस आधार पर अपने को उत्तर देना है कि ए और आर दोनों सत्य है और आर सही स्पष्टीकरण ए का है, बी, ए और आर दोनों सत्य है किंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का, या सी, ए गलत है परंतु आर सत्य है, ए सत्य है, ए सत्य है परंतु आर गलत है। ये ऑप्शन दोबारा आ गया है, इसको मिटा देते हैं। अब देखिए, बात बिल्कुल सही है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित है। ये कहाँ पर मिलता है, ये हमारा जिक्र मिलता है आर्टिकल 53 में। 53 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेड दैट कि भारत के राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होगा, जिसका इस्तेमाल वो स्वयं न करते हुए अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के माध्यम से करेगा, और वो कर्मचारी कौन होते हैं, उसकी मंत्रिपरिषद। कार्यपालिका शक्तियाँ सरकार का व्यवसाय चलाने संबंधित है, तो बिल्कुल भी ये बात सही नहीं है, क्योंकि सरकार कभी भी व्यवसाय के रूप में काम नहीं करती है, एक संगठन के रूप में काम करती है, व्यवसाय नहीं चलाती है, तो ये बात गलत हो जाती है। ए सही है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा ए सही है परंतु आर गलत है, ऑप्शन डी सही जवाब होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, नीचे दो वक्तव्य दिए हैं, कथन ए, रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांड राष्ट्रपति में निहित है, कारण प्रधान सेनापति की हैसियत से राष्ट्रपति की शक्तियाँ विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र हैं। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। हमारे ऑप्शन है, ए, ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए का सही व्याख्या है, बी, ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, या सी, ए सही है परंतु आर गलत है, या डी, ए गलत है परंतु आर सही है। तो देखिए, रक्षा बलों का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है, राष्ट्रपति, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन
वो इसलिए प्रमुख नहीं बना है कि उसमें विधायी शक्तियां हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। जो मंत्रिपरिषद होती है उसके निर्देशन पर ही राष्ट्रपति काम करेगा, मंत्रिपरिषद के निर्देशन पर ही काम करेगा। मतलब राष्ट्र विधायी शक्तियों का नियंत्रण थोड़ा बहुत क्या है इसमें स्थापित है। तो ए सही है और आर गलत हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए सही है परंतु आर गलत है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुसार केंद्र की कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में निहित है। हमारे ऑप्शन है राष्ट्रपति में, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री में, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। हमारे ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, ना तो एक ना तो दो, या दोनों, एक और दो दोनों। तो देखिए हमारे यहाँ क्या जिक्र मिलता है, हमारे यहाँ बनाई गई है प्रणाली संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, जिसमें हमारे यहाँ कार्यपालिका के दो प्रमुख होते हैं, एक होता है नाम मात्र का प्रमुख, एक होता है वास्तविक प्रमुख। लेकिन अगर संविधान की बात करने की बात करें संविधान में, तो चाहे वो आर्टिकल 77 हो या आर्टिकल 53 हो, दोनों में क्या मिलता है आपके, ये मिलता है कि कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख कौन होगा, आपका राष्ट्रपति होगा। ये जिक्र नहीं मिलता है कि प्रधानमंत्री उसका प्रमुख होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, केवल एक सही है। अब ये प्रश्न ऐसे इसीलिए पूछे जाते हैं ताकि व्यक्ति कंफ्यूज हो जाए और वो गलत आंसर दे दो। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किस में निहित किया गया है। ये आर्टिकल 77 की ही बात हो रही है, भारत के राष्ट्रपति पे, भारत के प्रधानमंत्री पे, केंद्रीय मंत्रिमंडल में, या सभी तीनों में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति में, कि समस्त प्रकार की कार्यपालिका शक्ति, केंद्रीय सरकार की शक्ति किसके निर्देशन पे काम करेंगी, किसके नाम पे काम करेंगी, तो वो होता है भारत का राष्ट्रपति। कोई भी संधि समझौता, विदेशी नीति अगर संचालित की जा रही है, कोई भी अधिनियम पारित किया जा रहा है, कोई भी नियुक्त की जा रही है संवैधानिक पदों पर, वो किसके नाम पर की जाएगी, राष्ट्रपति के नाम पर। तो अधिशासी शक्तियों का प्रमुख कौन हो जाता है, राष्ट्रपति, लेकिन नाम मात्र का ही रहता है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, जून 2023 में राष्ट्रपति को किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया था। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए सूरीनाम, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी स्पेन, या ऑप्शन डी यूके। तो अभी हमारी जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, वो एक देश की यात्रा में थी, वो देश के जो प्रमुख है चंद्रिका प्रसाद संतोखी, वो पहले हमारे भारत की यात्रा में भी थे। तो चंद्रिका प्रसाद संतोखी का प्रश्न भी मिल जाता है। तो हमारा जो प्रवासी भारतीय सम्मेलन हुआ था उसमें हमारी ने उन्होंने क्या की थी, यहाँ पर अध्यक्षता की थी। अब ये कहाँ गए थे, सूरीनाम गए थे। सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो था वो किसको प्रदान किया गया है, अभी हमारी राष्ट्रपति को, माननीय जो महामहिम है द्रौपदी मुर्मू जी को। चलिए तो दोस्तों, ये हमारी आज की पूरी चर्चा थी जिसपे हमने चर्चा कर ली किसको, राष्ट्रपति के संबंध में जो भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, कौन कौन से प्रश्न इसके पहले पूछे गए हैं विभिन्न परीक्षाओं में, हमने समस्त पहलुओं पर अपनी चर्चा को कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए अब आपसे मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ, नए लेक्चर के साथ, और हमारे साथ आप बने रहिए, हम आपको ऐसी ही नई नई चीज़ें आपको प्रदान करते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।